मेरे देश के संविधान के कमजोर पक्ष से रूबरू करवाता हूं। आओ मैं आप सबको मेरे कस्बे की लक्ष्मी लोहारन से मिलवाता हूं। एक वक्त के खाने के बाद दूसरे वक्त का उस पर बोझ था और जिंदगी की जद्दोजहद संघर्ष उस पर रोज था। अधेड़ उम्र में वो हथियारों के रूप में अपना घर खींचती थी, गुप्ती करछी चाकू कटार तलवार सब बिना धार के बेचती थी। हथियार लेने वाले हर आदमी हर लड़के को मुंह पर खरी खोटी कह देती थी, चंद रुपयों की एवज में बिना धार का हथियार वो उन्हें दे देती थी। उसकी उदास सी आंखें मायूस से चेहरे की तरफ जब कभी मेरी नजर जाती थी, मुझे उस पल महसूस होता था मेरी सांसें भी बेहद रुक रुक के आती थी। एक रोज फुर्सत के लम्हे में मेरी नजर उस पर जाती है, उस दिन की घटना मेरे दिल दिमाग में घर कर जाती है कि उसके ठेले पर एक लड़की जब हथियार लेने आती है, धार करके दूं या बिना धार के, लक्ष्मी इसी सवाल पे अड़ जाती है। लड़की के जाने के बाद मैं तपाक से बोल पड़ा, ये तो बहुत बड़ी नादानी है और लक्ष्मी धार वाला हथियार बेचना तो पूरी तरह से गैरकानूनी है। आंखों में आंसू लिए मासूमियत से वो बोली, इरादे मेरे मुल्क में दरिंदों के बेबाक हैं और मेरे जीवन के तजुर्बे इन चाकू और तलवारों से भी ज्यादा खौफनाक हैं। जब शादी करके आई थी ना साहब, शराब के खातिर मेरे पति ने मुझे बेचा था और मेरी जवानी में उस अनजान अधेड़ उम्र के दरिंदे ने मुझे बेअंतहा नोचा था। इतिहास ने जाने कैसा उस दिन मनुस लम्हा दोहराया था, उस दरिंदे ने साहब मुझे 1 किलोमीटर तक नंगा दौड़ाया था। पति की रोज रोज की शराब की लत और उसकी मार से मैं अधमरी हो जाती थी। रोते रोते पता नहीं चलता था साहब कब रात से सुबह हो जाती थी। तो पहले बाल विवाह का बोझ, फिर पति की मार, मेरे साथ मेरे बच्चे दिन रात रोते थे। और आप तो जानते हो ना साहब, गांव में तब कहां कोई तलाक होते थे। न जाने कितनी मर्तबे दरिंदों की दरिंदगी मेरा शिकार कर गई थी। आज भी लगता है साहब मैं पैदा होते ही क्यों ना मर गई थी। मैं अपनी आबरू तक न बचा सकी साहब, इसलिए मैंने अपने अंदर का जमीर मार दिया। हालातों को देखते हुए मैंने हथियारों पर अपना जीवन अपना सब कुछ हार दिया। न सरकार न कानून न इंसान अब कभी लड़कियों की हिफाजत कर पाता है। जब कोई नहीं आता बचाने आबरू लड़की की, तब तब लक्ष्मी का यह हथियार अपना फर्ज निभाता है। न जाने कितनी मासूमों की बिखरी इज्जत की फाइलें पुलिस चौकी में बरसों से दूर छाटती है, इसलिए ये लक्ष्मी धार वाला हथियार सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को बांटती है। लटका दे कोई मुझे बीच बाजार, जीते जी मैं अब चैन की सांस नहीं लूंगी और कम से कम इस कस्बे में तो एक और लक्ष्मी अब पैदा नहीं होने दूंगी।